भोपाल नगर पंचायत चुनाव बहुत करीब है। नगर पंचायत में वार्ड सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने वाले सभी भावी उम्मीदवार अपने अपने जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। वहीं एकमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 से सेवानिवृत्त शिक्षक जयकृष्ण राम से खास बातचीत की है। जनता के आह्वान पर जयकृष्ण राम वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ेंगे। वार्ड नंबर 17 के जनता ने सेवा का मौका दिया तो निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 17 का सर्वांगीण विकास होगा। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत लोगों तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 17 के सम्मानित प्रभु जनता जनार्दन ने प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। आज हम पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के एकमा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत, चूंकि एकमा जो प्रखंड है वो नगर पंचायत का भी एरिया में आता है, और नगर पंचायत एकमा के कुछ ग्रामीण इलाका में हम पहुंचे हैं। और यहां पर ये वार्ड नंबर 17 है जो नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। यहां से एक पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक हमारे साथ मुखातिब है, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इनका भी जो रिहायशी इलाका है वो नगर पंचायत वार्ड नंबर 17 में ही आता है, और ये सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। इस बार नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवार के रूप में जनता के अदालत में भी है। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा 10 वर्षों से नगर पंचायत का यहाँ क्या क्या सुविधा उपलब्ध हो रहा है इन लोगों के बीच, और क्या क्या परेशानियां हैं, और किस कठिनाई के साथ ये लोग गुजर रहे हैं, और इस बार चुनाव में प्रत्याशी होने का मुख्य उद्देश्य क्या है। चूँकि ये लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने के बाद, अलख जगाने के बाद, सामाजिक स्तर पर भी कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बेहतर किया जाए। इन्हीं से जानते हैं वार्ड नंबर 17 का सूरत हाल क्या है और किन मुद्दा के साथ है जनता के अदालत में जा रहे हैं। जी सर, अपना नाम बताएं। जय कृष्ण राम जी। इस बार आप वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी भी हैं और वर्तमान में आप सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से आप अभी रिटायर किए हैं और इस बार जनता के अदालत में आप जो सामाजिक स्तर पर सेवा करने जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा चुनावी? मुद्दा रहेगा सर कि जो गरीबों का सरकारी द्वारा जो सुविधाएं मिलना चाहिए जी जी वो नहीं मिलती है, चाहे जिस भी कारण से, जीतने के बाद पदाधिकारियों से मेरा राज्य विमर्श करके गरीबों के विकास के लिए काम करना चाहता हूँ जी। इसलिए मैं ये सोच करके मैं वार्ड नंबर 17 से द्वार के रूप में जनता के अदालत में। अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 17 में किस तरह का विकास का काम 5 सालों में हुआ है? 5 साल के अंदर में कोई काम नहीं हुआ जी 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 नहीं। तो आप लोग नगर पंचायत में रहते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जो नगर निगम का या नगर पंचायत का क्राइटेरिया है? नहीं, अभी तक तो कोई सुविधा नहीं। तो क्या इस बार चुनाव में विकास मुद्दा रहेगा? क्या विकास मुद्दा सर रहेगा? क्योंकि आज भी आपके नगर पंचायत वार्ड नंबर 17 में कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उनके पास आर्थिक संकट है, उनको सरकार द्वारा कई योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आप तमाम खबरों को फेसबुक पर देख रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और साथ ही तमाम खबरों को अगर आप यूट्यूब पर देख रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।